सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। गाइज देखो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन नेवी डबल ए SSR सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड ये क्वेश्चन शेयर किए गए हैं राहुल भाई के द्वारा। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग फिर से शेयर करूंगा विद प्रूफ आपके साथ में, और मैंने 5 मिनट ऑलमोस्ट बात की और उन्होंने जो क्वेश्चन शेयर किए वो मैंने टाइप भी कर दिए हैं एंड आप उनका भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे सुन सकते हो सेकेंड शिफ्ट का। ओके बट उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था वही ऑलमोस्ट 1 आवर एगो, और उसमें मैंने बताया था कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो आपके लिए कितने नंबर तक सेफ नंबर मतलब होंगे। ओके मीन्स आपके एग्ज़ाम के लिए आप कितने नंबर तक सेफ हो गए, इस बात को अपने दिमाग में बिठाए रखना। सो ये देखो ये वीडियो आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, सो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो क्योंकि इसका नोटिफिकेशन ही गया था। सो चलते हैं और अभी डिस्कस करते हैं अपना मेन टॉपिक। सो गाइस देखो यहाँ पे आ चुके हैं और सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हैं। 3 तारीख आज की तारीख पड़ी हुई है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। उससे पहले फॉर पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस एंड विद आंसर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन आया था करेंसी ऑफ भूटान नुगुल ट्रम होती है, यहाँ पे देखो गलत हो गया टाइप करने में, ठीक है नुगुल ट्रम यहाँ पे करेंसी आई थी। CAD का फुल फॉर्म आया था, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है CAD का फुल फॉर्म। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ बेसिक तो बिगनर्स ऑल परपज सिम्बोलिक ऐसा कुछ होता है, ठीक है पूरा यहाँ पे नहीं है बट मुझे इतना पता था तो मैंने फटाक से टाइप कर दिया। ध्यानचंद किस गेम के खिलाड़ी थे, किस गेम से संबंधित थे, सो हॉकी। देखो पहले मैं चलो आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ जो मैंने बात की, उनका आप रिव्यू सुन लो उसके भाई ब्रदर, तब आप बिलीव करना बिकॉज कुछ होते हैं। वैसे अभी कोई निगेटिव कमेंट नहीं करता तो थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड आप सभी वीडियो भी शेयर करते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच बिकॉज आप सभी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज। नेक्स्ट जूट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य जिसमें जूट उत्पादन होता है वो कौन सा राज्य है, वो महाराष्ट्र है। चलो मैं पहले आपको रिकॉर्डिंग ही सुना देता हूँ उसके बाद आके मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। ओके सो गाइस देखो रिकॉर्डिंग सेक्शन पे आ चुका हूँ, यहाँ पे देखो 3 स्टेप पे है रिकॉर्डिंग, मतलब अभी बात की तो थोड़ा सा बीच में बोल रहे थे कि सेंटर से निकालूँ तो फिर उस जगह पे मैंने काट दिया बट मैं यहाँ पे करता हूँ प्ले। ओके देन लेट अभी मैंने हटा दिया आपका माइक और पेपर छूट ना। हाँ तो कैसा रहा पेपर, मतलब कैसे पेपर तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सिंपल था, मतलब मैथ था हमको टफ लगा, मैथ का अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किए थे तो सिंपल था हमको लगा, लेकिन पेपर ठीक था। हाँ मैथ का थोड़ा सा टफ था, और इससे पिछले जो हम देखे थे जो यूट्यूब पर देखे थे ऐसे वैसे जो डाला गया था वीडियो सब, हाँ तो कल के शिफ्ट का तो उतना मतलब देखे थे कुछ क्वेश्चन उतना नहीं था, लेकिन आज का कुछ टफ था। अच्छा अच्छा ऐसा तुम्हें लगा। जीके का तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है ना, सबसे ज्यादा जूट उत्पादक हाँ तो पश्चिम बंगाल है ना। हाँ ये था, और वो भूटान, भूटान का जो मुद्रा है करेंसी वो क्या है, ये था हाँ यूरो होगा ना इसका। भूटान का जूट क्या होता है, क्या होता है हाँ था हम यूरो मार दिया। डिफरेंशिएशन का 2 था, हाँ डिफरेंशिएशन 2 था, और फिलिंग द ब्लैंक 3 था, और CDA था फुल फॉर्म में CDA। हाँ ऐसे करके, और था GDS का फुल फॉर्म। हाँ GDS तो एक और कोई था फुल फॉर्म, हाँ 3 था फुल फॉर्म है। हाँ 3 पूछा, और कल भी 3 ही पूछा था, आज भी हम फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे से पूछे तो वो भी बोला कि 3 पूछा गया था, तो मतलब 3 आ रहा है। जीके का क्वेश्चन हम आपको ये बताया, करंट अफेयर से न्यू में 2 था। अच्छा वो था कुछ लॉ पे, मतलब फिजिक्स का ऐसा यूनिट 3 था, और वो एक था सॉफ्ट ब्रेकर तो ऐसा होता ना वो सॉफ्ट ब्रेकर का इंडक्शन। हाँ हाँ वो था, एक मिनट था किधर से जाना है बाहर, एक मिनट था, लेकिन इस बार कॉमन ईयर नहीं पूछा, एक मिनट कॉमन ईयर था, और
लेकिन जो होता है ना इंटरव्यू वो तो खुद अपना जो होता है खुद करके मारा हूँ, लेकिन वो जो पढ़ा है उसमें भी देखा और एग्जाम पर थोड़ा सा टफ ही आते हैं वो कैच। हाँ वो कैच थोड़ा सा हार्ड है इस बार, लेकिन और सब ठीक ही है। फिजिक्स का जो था ना न्यूमेरिकल तो दो था। अच्छा फिजिक्स के दो? हाँ एक जो होता है ना वो डिस्टेंस ऊपर ग्रेविटेशन वाला, उससे रिलेटेड एक था। ओके और था एक दो था और एक था कुछ ओरिजिनल में था ना। नहीं नहीं बायो से तो हमको नहीं दिखा एक भी क्वेश्चन आज। केमिस्ट्री के केमिस्ट्री का भी नहीं देखा, सब बोल रहा था कि दो दो तीन तीन आ रहा है। रीजनिंग का एक था वो रिलेशन होता है ना ब्लड रिलेशन वो था। हाँ ये था एक और ब्लड रिलेशन और अल्फाबेट वाला था। और तीन फिगर खोजना था मतलब अलग है ना एक दूसरे से। फिगर से भी तीन था शायद। हाँ तीन था और एक ब्लड वाला हो गया। हाँ भाई हाँ हो गया। हाँ ये हो गया और बता रहे हैं आपको क्वेश्चन मतलब ओवरऑल हम बताए ना तो सब मतलब नॉर्मली। चलो ठीक है भाई थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है। ओके गाइस देन आप सभी ने सुन लिया जो जो क्वेश्चंस आया जैसा कुछ एग्जाम रिव्यू रहा। फुल फॉर्म अब जीडीएस पूछा था तो ग्रामीण डाक सेवा होता है। जीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रामीण डाक सेवा। एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन की एसआई यूनिट पूछी थी तो वो क्या होती है? हेनरी। एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन तो क्या होती है? हेनरी। जूट उत्पादक राज्य भूटान की करेंसी डिफ्रेंशिएशन से दो क्वेश्चन। जीडीएस और सीडीए सीएडी तीन फुल फॉर्म थे। एक बेसिक का था। करंट अफेयर दो क्वेश्चन। एसआई यूनिट थ्री थी। सॉफ्टवेयर का मतलब कि बीमा होती है। हेनरी। प्रीपोजिशन से दो क्वेश्चन। पैसे से पांच क्वेश्चन। डायरेक्ट से दो क्वेश्चन। पैसे से दो क्वेश्चन। और रीजनिंग आठ नंबर की। सो ये अपना रिव्यू था आज सेकेंड शिफ्ट का। अभी कुछ क्वेश्चन अभी 10-12 क्वेश्चन बताएं मिस रिव्यू बताएं कि कैसा आया इनके अकॉर्डिंग। बट शाम को मैं एक पूरा पीडीएफ जो 50-50 क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट होगा बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो डोंट वरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम।